इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज हम आपको गौर माता बनाना बताएंगे और गौर माता को हम सुहाग कैसे देते हैं और उनसे कैसे सुहाग लेते हैं, ये मैं पूरी प्रक्रिया आपको बताऊंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो चलिए हम बताते हैं आपको गौर माता बनाना। सबसे पहले फ्रेंड्स, इस तरह की गौर माता हम करवा चौथ पर बनाते हैं। हरियाली तेज, हड़ताल का तेज और बट सावित्री व्रत की पूजा करते हैं तब भी हम बनाते हैं। कोई भी शुभ अवसर हो, जन्मदिन हो, तब हम इस तरह की गौर माता बनाते हैं। सत्या माता की पूजा होती है, वैभव लक्ष्मी की पूजा होती है, उन सभी पूजा में इसी तरह की गौर माता बनती हैं। तो हमारी ये हो गई गौर माता। और ऐसी ही गौर माता मैं अपने चैनल पर पहले ही बनाकर डाल चुकी हूँ, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, गौर माता बनकर रेडी हो चुकी हैं। मैंने इनको एक ग्लू की सहायता से चिपकाया हुआ भी है। देखिए आप इन्हें ऐसे ही उठा कर रख सकते हैं आप, ये अलग अलग नहीं होंगी और गिरेंगी भी नहीं। तो चलिए हम आपको बताते हैं गौर माता को हम सुहाग कैसे देते हैं और कैसे सुहाग लिया जाता है उनसे। पूरी प्रक्रिया मैं बताने वाली हूँ, आगे वीडियो बने रहिएगा और कहीं पर भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। पूरी जानकारी और सटीक जानकारी मिलेगी आपको मेरी वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण पूजा करके दिखा दे रही हूँ फिर से। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैं उसका लिंक दोबारा से बता रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए हम इसमें भी बता देते हैं आपको पूरी पूजा करके। सबसे पहले हम धूप बत्ती जलाएंगे। सबसे पहले हम माँ को अर्घ्य लगाएंगे। ओम सर मंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके संयम की गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब हम माता को रोली लगाएंगे। ओम सर मंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके संयम की गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब अक्षत चावल फूल माता को पैसे अर्पित करेंगे, दक्षिणा कुछ मीठा कोई भी हो आपके पास। अब माता को हम बिंदी लगाएंगे। अब माता को हम सुहाग देंगे इस तरह चुटकी से। कोई 3 बार देता है, कोई 5 बार, कोई 7 बार, मैं 5 बार दूंगी। ओम सर मंगल मांगल्य शिवे सर्वा साधिके संयम की गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर मंगल मांगल्य शिवे सर्वा साधिके संयम की गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर मंगल मांगल्य शिवे सर्वा साधिके संयम की गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर मंगल मांगल्य शिवे सर्वा साधिके संयम की गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर मंगल मांगल्य शिवे सर्वा साधिके संयम की गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब हम माता से सुहाग लेंगे। ये जो हमारी लेफ्ट की जो रिंग फिंगर है इसी से हम लेंगे सुहाग, और जो हमारी राइट की हाथ की जो उंगली होती है ये रिंग फिंगर, इससे हम देते हैं और हम लेफ्ट वाली से हम लेते हैं। तो हम जब हमने 5 बार सुहाग दिया है तो हम 3 बार लेंगे और 2 बार हम माता के ऊपर अपना सुहाग उतार रखेंगे। यही होती है प्रक्रिया, इसका मतलब यही होता है। अब हम माता से सुहाग लेंगे। फ्रेंड्स, हम हाथ में पल्लू ले लेंगे और हम माता से सुहाग लेंगे। मैंने 5 बार सुहाग माता को दिया है तो मैं 3 बार सुहाग लूंगी और 2 बार माता पर अपना सुहाग उधार छोड़ूंगी। यही पूरी प्रक्रिया होती है सुहाग लेने और देने की। तो चलिए ओम सर मंगल मांगल्य शिवे सर्वा साधिके संयम की गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर मंगल मांगल्य शिवे सर्वा साधिके संयम की गौरी नारायणी नमोस्तुते।
ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाध्य केसरणिम के गौरी नारायणी नमो स्तुते। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।